तो गाइस अगर आप भी मनाली आ रहे हो 26, 25, 27 तारीख तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। बाकी जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा जिन्होंने पहले से, वो लोग जानते हैं मैं एकदम रियल अपडेट देता हूँ। तो अगर आप लोग नए हो तो सुन लेना अगर मनाली जा रहे हो मनाली जाने से पहले ये वीडियो। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? यार मैंने दो दिन से अभी कोई वीडियो डाली नहीं क्योंकि मेरे पास में मनाली की कोई अपडेट थी नहीं। आप लोग देख सकते हो ये चैनल है, दो दिन की लास्ट वीडियो जो मेरी दो दिन पहले की थी। भाई मैं घर पर आके व्यूज छापने के लिए वीडियो नहीं बनाता, घर पर बैठ के किसी से भी खबर लेके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं रियल अगर रहता है कुछ तो मैं बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से मनाली जा रहा हूँ आप लोगों के लिए गाइस। बाकी आप लोग विजिट कर सकते हो चैनल में जो मेरे भाई नए हो। मैं 6 तारीख से लेके अब तक मैंने वीडियो डाली है बट अभी मैं मनाली में नहीं हूं, बट मेरे को एक अपडेट मिली है जो भाई मेरे अभी जाने वाले हैं ना उनके लिए ना एक गुड न्यूज है गाइस। और जो भाई पूछ रहे थे कि भाई फरवरी में स्नोफॉल का क्या चांस है या अभी, तो गाइस आज वेदर देख सकते हो आप मनाली का, मैंने चेक किया था बट यार ये दिखा देता कुछ से कुछ, मेरे को सब्र नहीं हुआ। मैंने एक दोस्त की कॉल आई जो कि मनाली में इस वक्त हैं, वो वीडियो देखते हैं हमारी स्पेशल, ठीक है ना, सचिन इनका भाई का नाम है, इन्होंने मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाया वहाँ का वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है दो दिन के अंदर और भाई काफ़ी चांस है स्नोफॉल के। क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हो ना, बस का अभी बुक करेंगे ना आप, अभी कुछ दिन पहले 900 रुपये का एक टिकट पड़ रहा था वोल्वो का, अभी 1900-1500 का एक टिकट पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक वहाँ पर जाने लगी है दबा के, इसलिए ना फिर से ज़्यादा क्राउड हो गया, इसलिए टिकट महंगे हो गए क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल 100% चांस दिखा रहे हैं स्नोफॉल के। और यार होगी भी ना क्योंकि जनवरी में हुई नहीं तो अब लास्ट महीना का लास्ट चल रहा है तो अब होगी ही, और मेरे मोबाइल में मैंने चेक किया वहाँ पे भी दिखा रहा है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस क्योंकि मैं खुद जाने वाला हूँ, जाके खुद जैसा भी रहेगा आप लोग जानते हो मैं रियल अपडेट देता रहूंगा वीडियो बना के हर जगह की। गाइस मैं इस बार ना अलग सिटी में जाने वाला था बट मेरे को कमेंट आ रही थी और इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे मनाली की स्नोफॉल अपडेट दे दो भैया, तो लेकिन मैं यहाँ से कैसे दे सकता हूँ बैठ के, तो मैंने सोचा यार कहीं और जाके भी मेरे को व्लॉग ही बनाने, बट जब आप लोग मनाली ही जा रहे हो तो मैं भी वहीं पर जाता हूँ और रियल अपडेट आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। आज तो नहीं लेकिन कल शायद मैं निकल जाऊंगा, शायद नहीं कल 100% निकल ही जाऊंगा यार, क्योंकि काफ़ी बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम फरवरी में आने वाले हैं, वहाँ का कुछ अपडेट वेदर दे दो। भाई यहाँ से बैठ के मैं वेदर अपडेट दे नहीं सकता, जितना मेरे को पता चला मैंने बात की मैंने उतना आप लोगों को इस वीडियो में बता ही दिया है, तो मैंने बस यही सोचा इसलिए मैंने फैसला लिया, अपना दिल मजबूत किया, कोई नहीं। बाकी गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैं जब से दिल्ली आया हूँ मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, आज एक वीडियो थी अपडेट दिए कि मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए आपका भाई फेक वीडियो नहीं बनाता ना। तो गाइस वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और, मैं जब वहाँ था मनाली में मैंने एक रैप रिकॉर्ड किया था लाइव वॉइस में अटल टनल के पास ही थोड़ी दूर चल के, तो मैंने यार वो डाला नहीं था कि वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोग बोर हो जाएंगे, तो वो इस वीडियो में लगा देता हूँ मैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, मिलता हूँ मैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में मनाली। दिल में वैसे जब तू तो कोई क्या आएगा, बात हमारे भी होगी महफिल जमाया, कोई तो नग में गाएगा, करूँ ऐसे ही तुझको प्यार के सर पे चढ़ के चांद भी जगमगाएगा। हाँ कर ले वादा कोई रख के मेरे तो सर पे हाथ, और कह देना जान की कसम खुदा की ना बात तेरे को ही आएगा, मैं सफर में या कबर में तेरे साथ खड़ा हर सफर में, ये इश्क लगता आसान नहीं बस साथ तू तो बेफिक्र मैं पन्नों पे नहीं लिखता तू हर जिक्र में, अब पाना तुझको मंजिल है बस जागू में इस फिक्र में, मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है कैमरे के पीछे ऐसी हरकत करता हूँ मैं जब अकेले रहता हूँ।